की जवाबी कार्रवाई के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के तेवर नरम पड़ चुके हैं। उन्होंने बयान जारी कर यह साफ कर दिया कि संसद में दिया गया बयान किसी भी तरह से भारत को उकसाने की कोशिश नहीं थी। एक रोज पहले कनाडा के प्रधानमंत्री ने वहां की संसद में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर भारत के खिलाफ बयान दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि निज्जर की हत्या में कनाडा की जांच एजेंसियों को भारत के एजेंट्स का हाथ होने का शक है। ट्रूडो के आरोपों को भारत सरकार ने निराधार और झूठा बताया। भारत के विदेश मंत्रालय ने भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाते हुए कनाडा के सीनियर राजनयिक को 5 दिनों के अंदर भारत छोड़ देने का आदेश दिया। इन सब के बीच कनाडा पर भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के तेवर नरम पड़ गए। उन्होंने इस मामले में सफाई देते हुए यह कहा कि उनका इरादा भारत को उकसाने का नहीं था, बल्कि वो तो चाहते थे कि इस मामले में भारत सरकार उनसे बात करे, लेकिन इसी बीच कनाडा ने वहाँ मौजूद भारतीय राजदूत को निष्कासित कर दिया। Government of India needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. कनाडा के इस कदम के बाद भारत ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। दिल्ली में मौजूद कनाडा के राजदूत को तलब किया गया। 5 मिनट के अंदर उन्हें सच्चाई से वाकिफ कराते हुए निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि इससे ठीक पहले बिना किसी जानकारी के कनाडा के विदेश मंत्रालय ने भारत के राजनयिक को निकालने का आदेश दे दिया। खालिस्तान समर्थकों के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने वहां की संसद में झूठे आरोप लगाकर भारत के खिलाफ जहर उगला। संसद में अपने भाषण के दौरान ट्रूडो ने आरोप लगाया कि 18 जून को खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ था और इसकी पूरी प्लानिंग भारत की खुफिया एजेंसियों ने रची थी। खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा की संसद में जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ झूठ का पुलिंदा खोल दिया। कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसीज हैव बीन एक्टिवली पर्सुइंग क्रेडिबल एलिगेशंस ऑफ अ पोटेंशियल लिंक बिटवीन एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द किलिंग ऑफ अ कैनेडियन सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर। कनाडा के प्रधानमंत्री वहां की संसद में भारत के खिलाफ झूठ पर झूठ बोलते दिखे। खालिस्तान समर्थकों और अलगाववाद के मुद्दे पर संसद में उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। कनाडा के प्रधानमंत्री ने वहां की संसद में भारत के खिलाफ जहर ही नहीं उगला, बल्कि कनाडा में भारत के एक राजनयिक को भी देश से निकालने के लिए आदेश दे दिए, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। लेकिन कनाडा की इस बेतुकी हरकत और झूठे आरोपों पर भारत सरकार ने करारा जवाब दिया। भारत ने कनाडा के राजनयिक को फटकार लगाते हुए 5 दिनों के अंदर भारत छोड़ देने का आदेश दे दिया, क्योंकि उन पर भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के आरोप लग रहे थे। भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा के प्रधानमंत्री की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर दो टूक कहा कि कनाडा के सभी आरोप बेतुके और झूठे हैं। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के प्रधानमंत्री के आरोपों को निराधार बताकर खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश बताया। अपने बयान में विदेश मंत्रालय ने इस बात का भी जिक्र किया कि इस तरह के आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री ने दिल्ली में हुई G20 की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी रखे थे। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी वक्त उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया था। भारत के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि अलगाववादियों और खालिस्तान समर्थक आतंकियों को कनाडा में पनाह दी गई, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा है।